यूरोप के बाद सिखों का गार्ड कनाडा भी अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार। मुल्क भर से सिखों के काफिलों की टोरंटो आमद जारी। 1 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के। भारत खालिस्तान मुहिम की कामयाबी से घबरा गया। ऊंचे हथकंडों से रेफरेंडम रुकवाने की कोशिशें भी नाकाम हो गईं। रहनुमा काउंसिल ऑफ खालिस्तान का बयान। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा लंदन पहुँच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब भी हमरा। आज नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत भी करेंगे। शहबाज शरीफ अमरीका भी जाएंगे। अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। आर्मी चीफ की मदद मुलाजमत में तौसी की कोई तजवीज़ नहीं। नए सिपाह सलार की तकर्री नवंबर में होगी। वजीर आजम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। फौजी सरबराह के तकनीकी आईनी मामला है जिसे इमरान खान मतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीए चेयरमैन की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। माशी हालात जल्द बेहतर होने की उम्मीद का इजहार। महंगाई में कमी का भी दावा। सैलाब से मुतासर बच्चों के लिए जंगी बुनियादों पर खुराक की ज़रूरत। वज़ीर आज़म की मुख़य्यर हज़ात से गर्म कपड़े और दीगर सामान मुहैया करने की भी अपील। सर्दी की आमद के पेश नज़र पेश की इंतजामात की हिदायत। कुदरती आफत के बाइस बदतरीन तबाही का सामना है। मुतासरीन की बहाली की कोशिशें जारी। मुश्किल वक्त में साथ देने पर आलमी बरदरी के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ की नूर खान बेस पर गुफ्तगू। एन 247 शाहसदा कसिम ने इंतखाब। पीटीआई के जलसों में हेलीकॉप्टर और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल। ज़ाब्ते अख़लाक़ की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का इमरान खान और वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा को नोटिस। चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया।